तो हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है और उसको बर्नौली थ्योरम से कैसे जस्टिफाई करते हैं, हार्ट अटैक का क्या रीजन होता है, ब्लड फ्लू की वजह से हार्ट अटैक कैसे होता है, राइट। तो जब जैसे हम लोग में हमारी बॉडी में ब्लड कौन भेजता है, हार्ट भेजता है, और वो आर्टरीज के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। तो जो हेल्दी आर्टरी है उसको मैंने ऐसे बना लिया, जो हेल्दी आर्टरी है वो मैंने ऐसे बना लिया। अब इसमें आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है, एक पड़ा होगा आओर्टा, हार्ट के जस्ट बगल में होती, तो ब्लड जब हार्ट उस पर पंप करता है तो वो इलास्टिक होती, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती, मतलब बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। लेकिन कभी सवाल पूछे कि आओर्टा क्या हुक्स लॉ को फॉलो करती है, तो आंसर इज नो, उसका जो कर्व आता है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते, किसी भी रीजन में नहीं होते, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा लेवल तक एक्सटेंड कर जाती है और फिर वापस आती है। तो जब एक्सटेंड करती है उसके पास इलास्टिक एनर्जी आती है और वापस वही एनर्जी ब्लड को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देती है। दूसरा पार्ट हो गया, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हार्ट अटैक कैसे होता है ये पढ़ रहे हैं, और उस बात को बर्नौली प्रिंसिपल से हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या रीजन रहा होगा हार्ट अटैक का। एक हेल्दी आर्टरी ऐसी होती, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम था, अब एज बढ़ने के साथ या कुछ और फैक्टर्स की वजह से इन आर्टरीज में क्या होता है, प्लेक इकट्ठा होने लगता है। तो जैसे यहां पर प्लेक इकट्ठा होने लगता है तो यहां पर कुछ प्लेक इकट्ठा हो गया, जम गया, ये कुछ जमने लगा, और यहां पर भी वो, तो जब ये रीजन प्लेक का बन गया तो एक बात तो दिख रहा है कि आर्टरी से ब्लड करने का जो रास्ता था वो सिकुड़ गया। पहले आर्टरी इतनी इतने रीजन से ब्लड भेज रही थी, अब केवल इतना रीजन बचा, तो वो तो सिकुड़ गई, तो ये रीजन अब नैरो हो गया, राइट। हमें एक बात पता है कि हार्ट ने जो ब्लड भिजवाया था वो तो जाना ही जाना है, तो पहले बड़े रीजन से जा रहा था तो कम स्पीड से निकल जा रहा था, उतने ब्लड को छोटे रीजन से जाना है तो ज्यादा स्पीड से जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक्चुअली पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो को शो करता है, पर यूनिट टाइम पर वॉल्यूम फ्लो को शो करता है। तो अगर यहां पर आर्टरी में नैरोइंग हो गई है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर चुका है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर चुका है तो यहां पर जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, वो स्पीड इंक्रीज कर चुकी है। अब जब स्पीड इंक्रीज करी है तो हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल पर जाते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइट पर तो फर्क पड़ नहीं रहे तो वो तो कॉन्स्टेंट मान लेता हूं। हाँ, अब इस रीजन से जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ चुकी है, और स्पीड अगर बढ़ चुकी है तो फिर यहां का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर चुका होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इस रीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर चुका है। जब आर्टरी हेल्दी थी तब उस सिचुएशन को एक बार पहले समझते हैं। इसके अंदर से एक प्रेशर पड़ रहा था और ये ब्लड का प्रेशर था, वो प्रेशर मेंटेन कौन करता है, वो प्रेशर मेंटेन करता है हार्ट, पंप कर करके मेंटेन करता है, और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर था, मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। एटमॉस्फेयर का प्रेशर छोटा मत समझना, दैट इज 10^5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग एक मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें, अगर एक मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें तो यहां पर जो फोर्स लगता है वो 10^5 न्यूटन। हमारा वजन मान लेता हूं कि कुछ, मान लो तुम्हारा वजन 50 किलोग्राम है, तुम कितने न्यूटन के हुए, 500 न्यूटन के हुए, इसको 500 से डिवाइड कर देते हैं तो दो जीरो कैंसिल हो गए और ये 200। इसका मतलब तुम जैसे 200 लोगों का वजन अगर एक मीटर स्क्वायर एरिया में रख दिया जाए तो एटमॉस्फेयर के बराबर का फोर्स लगाएगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर फोर्स छोटा नहीं होता है,
लेकिन जब तक आर्टरी हेल्दी थी, हार्ट हेल्दी था, तो ये दोनों मैनेज कर रहे थे। अब यहां पर नैरोइंग की वजह से स्पीड बढ़ गई और बर्नौली प्रिंसिपल से अगर स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, और प्रेशर अगर अंदर का घट गया और बाहर का वही है तो उसने इसको दबा दिया। लेकिन जैसे उसने दबाया तो नैरोइंग और ज्यादा हो गई, और नैरोइंग और ज्यादा हो गई तो यहां पर स्पीड और बढ़ी। स्पीड बढ़ी तो उसी रीजन से प्रेशर और घटा, तो दबाना उसके लिए और आसान हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, हार्ट को लगा अब तो सब बिगड़ने वाला है, ये आर्टरी तो बंद होने वाली है, तो हार्ट ने अचानक से फिर से तेजी से पंप किया, या तो इतनी तेजी से पंप कर दे कि इस प्लेग को हटा दे, तो शॉक देते हैं, शायद खुल जाए, शायद खुल जाए, तो हार्ट ने फिर ब्लड फ्लो कराया, और जब हार्ट ने ब्लड फ्लो कराया तो स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई तो प्रेशर और ड्रॉप हो गया, और प्रेशर अगर और ड्रॉप हो गया तो बाहर वाले प्रेशर ने क्या किया, इसको पूरा पूरा कोलैप्स करा दिया, और कोलैप्स करा दिया एंड दैट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का रीजन समझना है, राइट, हार्ट अटैक का रीजन है प्लेग के इकट्ठा होने की वजह से वहां पर स्पीड घटती है, एरिया घटता है, एरिया घटता है तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, अंदर का प्रेशर डिक्रीज करता है, बाहर का डोमिनेटिंग हो जाता है, और वो आर्टरी को दबा देते हैं, दबाता है तो एरिया और घटता है, स्पीड और बढ़ती, प्रेशर और घटता है, वो और दबाता है। तो कभी कभी सुना होगा लगातार तीन अटैक आ गए, एक बार बंद हुआ, फिर खुला धीरे से, फिर अचानक से वही हुआ, और फाइनली डेथ भी हो सकती है।